हांगकांग के सभी प्रेमी बच्चों बच्चियों, गुरु महाराज की दया मेहर हुई और आज कुछ कहने और सुनने का अवसर जीवन में प्रदान हो रहा है। यह मनुष्य शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं। नर समान ने कौनो देही जीव चराचर जाचते ही। अब यह है कि इसका मतलब समझ में आ जाए। जो लोग मतलब समझ जाते हैं उनका काम तो बन जाता है, और मतलब अगर नहीं समझ पाते हैं तो जैसे पशु और पक्षी खा करके बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे ही लोग दुनिया संसार से चले जाते और शरीर को पाक साफ रखने के बजाय जब इसको गंदा कर लेते हैं, इसके अंदर मांस मछली अंडा शराब जैसी चीज़ों को डाल देते हैं, तो ये जो मानव मंदिर है ये गंदा हो जाता है, जीवों के हत्या का पाप लग जाता है, चोरी डकैती खून कतल व्यभिचार अनैतिक कार्य जो इंसान करता है उसकी सजा मिल जाती है। अभी तो उसने आज़ाद कर दिया, पैसे अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ, हाथ से अच्छा काम करो बुरा करो, आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो, आज़ाद कर दिया है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब इसकी सजा भोगनी ही पड़ेगी। बुरे कर्म जितने भी लोग किए कोई बच नहीं पाए, इसलिए प्रेमियों बुराइयों से दूर रहना, जीवों की हिंसा हत्या मत करना। हिंसा हत्या करने वाले को तो पाप लगता ही है, उनके मांस को जो निकालता है लाता है पकाता है खाता और खिलाता है सबको बराबर पाप लगता है। जब से लोगों ने पाप कर्म करना शुरू किया, इस मानव मंदिर को गंदा करना शुरू कर दिया, इसके अंदर गंदी चीज़ों को डालना शुरू किया, कितना भी पूजा पाठ करते हैं, कितना भी यज्ञ करते हैं, कितना भी तीर्थों में जाते हैं व्रत रहते हैं अनुष्ठान करते हैं तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में रोग बढ़ गया, पैसा कौड़ी कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है। इसलिए आपको आज ये बात बताई जा रही है कि जिससे आप अन्य बुराइयों से दूर हट जाओ। देखो लोगों के कर्म इतने गंदा हो गए, इतने खराब हो गए कि कुदरत बिल्कुल नाराज खड़ी हुई है। कभी भी कहे ढा सकती है, कहीं भी ढा सकती है, उसके सजा देने के बहुत से तरीके हैं। सूखा काल डाल दे, बीमारी महामारी फैला दे, भूकंप ला दे, आंधी तूफान ला दे, बहुत सारे ऐसे समझ लो कि उसके तरीके हैं सजा देने के। इसलिए उससे बचने के लिए धर्म पर तो सबको आना ही चाहिए। अब धर्म है क्या चीज? सत्य अहिंसा परोपकार और सेवा, यही बहुत बड़ा धर्म बताया गया। जीवों पर दया करना, अपनी जीवात्मा पर दया करना, ये नरक और 84 में न चली जाए, इसको उससे बचाया जाए, इस पर दया करना जरूरी है। तो आप कुछ लोगों को जीवात्मा को नरक 84 से बचाने का रास्ता मिल गया, किसी मनुष्य मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने का रास्ता मिल गया, अनाथ बेद वाणी जो 24 घंटे
आकाशवाणी हो रही उसको सुनने का रास्ता मिल गया, तो आप सब लोग सुमिरन ध्यान भजन रोज करो। नहीं अगर याद है नाम रूप वगैरह तो पूछ लो, हफ्ते में एक दिन साप्ताहिक सत्संग में इकट्ठा हो करके वहाँ पर प्रार्थना ध्यान भजन करो, नाम और सुमिरन ध्यान भजन ये सब समझो और बराबर करो। देखो जिनको नाम दान आपको नहीं मिला, आप आशा बनाए रखो, संकल्प बनाओगे, आशा बनाए रहोगे, मालिक आपके ऊपर दया कर देगा और नाम दान सुनने का आपको अवसर कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। तब तक के लिए यह जय गुरुदेव नाम, यह प्रभु परमात्मा का नाम है, इसका सुमिरन करो, यानी इस नाम की ध्वनि आप लगाओ। देखो ध्वन्यात्मक नाम तो नाम दान देते समय बताया जाता है, लेकिन वर्णात्मक नाम को ऐसे भी लोगों के फायदे के लिए, रक्षा के लिए बता दिया जाता है। जब जब महापुरुष आते हैं एक नाम को जगाते हैं, जैसे त्रेता में राम आए, जैसे द्वापर में कृष्ण आए और उन्होंने इस नाम को जगाया, इस नाम में शक्ति भरा। आपको याद होगा कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब राम जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, बाराग्रह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। त्रेता और द्वापर के पहले शतयुग था, शतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम में शक्ति थी। गुरु किसी का नाम नहीं होता है, यानी गुरु यानी कोई माँ के पेट में बन करके नहीं निकलते हैं, गुरु तो एक शक्ति होती है, गुरु एक पावर होती है। इसलिए ये जो जय गुरुदेव नाम है यह अनिमायक नहीं, ये निर्मायक नाम है। मायक नाम उसको कहते हैं कि जो माया के लोक में यानी जन्म लेते हैं, माँ के पेट में पल करके बाहर निकलते हैं, उनका जो नाम पड़ता है और वो नाम जगाया जाता है वो मायक नाम होता है। जो धनियों के मुंह से नाम निकलते हैं वो निर्मायक नाम होते हैं। तो गुरु एक पावर और गुरु एक शक्ति होती है, और वो शक्ति जिस शरीर के अंदर रहती है वो काम करता है। जब उसको जाने को होता है तो ताकत दूसरे को दे करके और फिर चला जाता है, वो काम करते हैं। इसीलिए राम नाम त्रेता में, कृष्ण नाम द्वापर में, और ये गुरु हमेशा रहे। कहा गुरु बिन भव नित्य तरह न कोई, जो विदंति शंकर सम होई, ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता। तो गुरु हमेशा रहे। तो शतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु हमेशा रहे, इसलिए गुरु महाराज ने गुरु नाम को जगाने के बाद पहले जय लगा दिया। जय माने जयमान और या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे और देव माने देने वाला। जो सच्चे समर्थ होते हैं वो देते ही हैं और लेते भी हैं, तो जो कोई लेने को ना तैयार हो, तो ये जय गुरुदेव नाम, ये प्रभु भगवान का नाम, ये हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जो विख्यात थे, अब तो नहीं रहे लेकिन उन्होंने जगाया था। और जब जगाया जय गुरुदेव नाम को, तो जगाते समय महापुरुष क्या करते हैं, नाम की इस डोर को, वर्णात्मक नाम लिखन पढ़न और कहन में आया उसको वर्णात्मक गाया, तो वर्णात्मक नाम को उस मालिक के अनितार से जोड़ देते हैं, शक्ति से जोड़ देते हैं। आपको ये नहीं पता है कि आपकी आत्मा कहाँ से जुड़ी हुई है, आप कहाँ से जुड़ रहे हो, कैसे चल फिर रहे हो, इस चीज का आपको ज्ञान नहीं है। जब ज़्यादा सत्संग सुनोगे या साधना करोगे तो यह बात समझ में आ जाएगी, लेकिन तब तक के लिए
आप इस बात को समझो कि अनित्य नाम को महापुरुष जो होते हैं, जो जगाते हैं, वो शक्ति से, परमात्मा शक्ति से जोड़ देते हैं। तो जब गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को अनित्य जगाया, अनित्य जोड़ा उस परमात्मा शक्ति से, तो इसका प्रचार शुरू किया। बोले जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, मदद होगी, यह भगवान का नाम है। लेकिन लोगों को जल्दी विश्वास न हो, क्योंकि हर कोई धार्मिक आदमी किसी न किसी नाम को भगवान का नाम मान करके बुलाता रहता है, याद करता रहता है और उन्हीं पर विश्वास कर लेता है। जैसे आप इतने लोग वहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर बैठे हुए हो, और आप भी अलग अलग नाम को, यानी भगवान तो एक है, मालिक एक है, लेकिन उसके नाम को अलग अलग नामों से पुकारते होगे। इसी तरह से लोगों के समझ में जल्दी नहीं आ गए कि भाई हमको जो बताया और हमको जो भाव के अनुसार, भक्ति के अनुसार फायदा हो रहा है, हम उस नाम को कैसे बदलें। हालांकि बताने वाले भी भगवान को देखे नहीं होते हैं, लेकिन बस जिसको विश्वास हो जाता है वही नाम को लोग पढ़ते रहते, याद करते रहते हैं, उसी नाम से मालिक को पुकारते रहते हैं। तो आने समय लो जल्दी विश्वास न हो। तो गुरु महाराज ने कहा तुम परीक्षा लेकर देख लो। लोगों ने परीक्षा लेना शुरू किया, जंगल में जा रहे हैं, डाकू घेर लिए, जंगल के जानवर घेर लिए, जय गुरुदेव बोले, उधर से तमाम आवाजें आने लग गई कि जैसे भारी संख्या में लोग इधर दौड़ करके चले आ रहे हैं। बस डकैत हट गए, जानवर देखा कि जैसे कोई उधर से आ रहा हो, देखा उस तरफ, घूमा, है तो कोई नहीं, लेकिन आवाज सुनाई पड़ी और फिर वो भाग गए। कोई आदमी जा रहा है, जाने लगा, मधुमक्खियां छेदने लग गई, रास्ते में और कोई है नहीं, जो साथी था वो भी भाग गया, क्योंकि मधुमक्खियां छुड़ाने वाले को ही लग जाती हैं। तब उसको याद आया कि बाबा जी ने सत्संग में कहा था कि तुम परीक्षा लेकर के देख लेना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जब बोला तो तेज हवा चल गई, आंधी जैसी आ गई और मधुमक्खियां उसी में उड़ करके चली गई, जान बच गई। नहाने के लिए गया नदी तालाब में, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोला, तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया, जान बच गई। देखो मरते समय बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द होता है। बहुत से लोगों को आप देखो कि मलमूत्र तक बाहर निकल जाता, क्योंकि उस समय पर बड़ी तेज आवाजें होती हैं, पहाड़ जैसे गिरते हैं, जोर जोर से इस तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, बड़ी तेज रोशनी होती है, बड़ी तेज समय लोग धुआं धुकुर जैसा दिखता है, दम घुटने लगता है, रोने चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद में जब भी जीवात्मा जल्दी शरीर को नहीं छोड़ती है, तब मार मारते हैं, यमराज के दूत हथौड़ी मुकुट लेकर जो इसको खाली कराने के लिए आते हैं, मार मार करके और जीवात्मा को निकालते हैं। तो मरते समय बड़ी तकलीफ होती है। साजोबाई ने कहा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ। तो जब तकलीफ हुई मरने वाले को, तो प्रेमी ने 10 बार जय गुरुदेव कान में बोल दिया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो। मरने वाले ने आँख खोल दिया और खोल करके बताया कि अब हमको कोई तकलीफ नहीं है, सारे कष्ट मेरे दूर हो गए, जो मेरी मार पड़ रही थी अब कोई यहाँ रह नहीं गया, सब हट गए, आराम से अब मैं जा रहा हूँ। खूब परीक्षा लिया लोगों ने। आपके मन में किसी के अगर शंका आवे, शंका हो, तो आप भी परीक्षा मुसीबत में ले लेना। आप ही नहीं, आप प्रचार कर दो इस बात का
कि कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलकर मदद ले सकता है। अब आप प्रचार करोगे तो सुन करके लोग भूल जाएंगे, क्योंकि बोलने की आदत आदमी की होती है। दिन में परेशानी में रहता सोचता रहता है, रात को सोता है, सुबह उठता है भूल जाता है। तो आप प्रचार तो कर देते हो, बता तो देते हो, लेकिन याद नहीं रह जाता है लोगों को, भूल जाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही और अंत नाम मुख आवत नहीं। आखिर में जल्दी यह नाम अरे मुँह से निकलता नहीं। मरते समय अगर नाम मुँह से निकल जाए तो नाम यह भी सुन ले और फिर वो मदद कर दे, क्योंकि जिसको जो पुकारता है वही ध्यान देता है, वही मदद करता है। जैसे आप अपने बच्चों को लेकर के कहीं जा रहे हो और छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और वो बोला पापा, तो तुरंत पापा देखेंगे, मम्मी तुरंत मम्मी देखेगी, बेटा क्या हो गया, मदद की जरूरत होगी तुरंत मदद करेगी, भाई को आवाज लगाएगा भाई बोलेगा, जिसको आवाज लगाएगा वही बोलेगा। तो आप उस बात को समझो कि मुंह से जब जिसके जिसका नाम निकलेगा वो मददगार हो जाएगा। इसलिए आने वाले समय में अन्य रटा हुआ जब यह नाम रहेगा तो बराबर आदमी बोलेगा, क्योंकि जो चीज रट जाती है वो जल्दी भूलती नहीं है। आप इसमें बुजुर्ग लोग बैठे हो, आप बचपन में देखो जो श्लोक कविता याद किए थे अब भी याद है, और बुढ़ापे में हर समय जो याद करते हो लेकिन याद नहीं होता, भूल जाता है। इसलिए आप लोगों को रटाओ, याद कराओ, देखो अखंड नाम धुनी करो जगह जगह, 24 घंटे की करो, 12 घंटे की करो, 8 घंटे की करो, 4 घंटे की करो, और नहीं तो 2 घंटे की नाम धुनी। तो आप लोग जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे हो सब लोग कर सकते हो अपने अपने घरों में। छुट्टी के दिन ऐसे ही लोगों को बुलाओ, परिवार वालों को भी इकट्ठा कर लो, पास पड़ोस के लोगों को बुला लो, खेत मित्र रिश्तेदारों को बुला लो और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, इसी तरह से बोलो और लोगों को बुलवाओ। जय गुरुदेव नाम जब ध्वनि बुलवाओगे याद हो जाएगा। 2-4 बार महीने में अगर आपने इस तरह से बुला बुला करके रटवा दिया लोगों को, कोई चाहे 15 मिनट ही बैठ करके बोल लिया तो उसको याद हो जाएगा, अब याद हो जाएगा तो यही नाम मुसीबत में मददगार हो जाएगा। आप कितने लोग इस आवाज को सुन रहे हो, आप सभी लोग मिलने जुलने वाले लोगों को जिनसे आपका व्यापारिक संबंध है, आपके दफ्तर में काम करते हैं, आना जाना आपका है, प्रेम मोहब्बत है, उनको सबको बताओ कि रात को सोने के लिए जब जाएं तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते बोलते और फिर सो जाएं। तो जब बराबर उनको याद दिलाते रहोगे, चाहे फोन के द्वारा चाहे मिल करके, जहाँ मिले वहाँ पर जब आप बताते रहोगे तो लोग बोलने लग जाएंगे। और भाव से अगर बोलेंगे, भाव बड़ी खास चीज होती है, भाव से ही भक्ति आती है। भाव से अगर जय गुरुदेव नाम को बोलते बोलते सोने की आदत डालेंगे तो उनको फायदा हर तरह से दिखाई पड़ने लगेगा। और अगर भाव से नहीं भी बोलेंगे, आदत बस ही जय गुरुदेव नाम को बोलते रहेंगे, तो कुछ दिन में जब उनके कर्म कटेंगे, उनको सद्बुद्धि आएगी, उनको फायदा लाभ दिखेगा, तो फिर तो अपने आप आपसे पूछने लगेंगे कि अब हमको आप और कुछ बताइए। बता देना कि भाई शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ,
24 घंटे का समय आपको जो भगवान ने दिया है, 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम कर लो, लेकिन 1 घंटा सुबह शाम शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा है, इसको भी खुराक दे दो, इसको भी ताकत दे दो। जब इसको ताकत मिल जाएगा, ये बलवान हो जाएगी, फिर आपको पापी पेट के लिए गुनाह गलती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो जो इच्छा किन्ही मनमाही और हर प्रताप कष्टुलभ नाही। जिस चीज की इच्छा करोगे वो चीज हाजिर हो जाएगी। जैसे पहले के समय में था, सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था, सती अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। देखो उस वक्त पर जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, उसके अंदर लोगों में ताकत शक्तियां इतनी थी कि ब्राह्मण मुंह से फूकते थे, आग निकल आती थी, आहुति देने के लिए अग्नि लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो स्तुति करते ही अग्नि देवता को प्रकट कर लिया करते थे। आप देखो लोगों में आत्मबल था, आत्मशक्ति थी, और उस आत्मशक्ति के बल पर वीर लोग, क्षत्र लोग आए समय लोग धनुष पर तीर चढ़ करके छोड़ते थे, हर दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाती थी। तो देखो वो शक्तियाँ अभी कहीं गई नहीं है, सारी शक्तियाँ हैं। जानकारी उसकी जब हो जाती है, शक्ति अर्जित करने की, प्राप्त करने की, तो सब कुछ मिल जाता है। गरिमा गरिमा महिमा लखमा ये सिद्धियाँ, काम ध्यान कल्प वृक्ष ये सब सिद्धियाँ, ये रिद्धि सिद्धि सब सिद्धियाँ, ये जितनी सिद्धियाँ हैं ये तो कर्म चूमने लगती हैं। कि जब अनेक कोई अनेक दुनिया से परे की विद्या की जानकारी हो जाती है, तो उसके द्वारा अनेक सब कुछ संभव होता है। तो आप बता देना लोगों को, फिर समझा देना, मौका मिल जाएगा तो नामदान दिला करके और जीवात्मा को खुराक दिलाना। ऐसे शरीर का भोजन क्या है? धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का, ये आप खाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी उसको बना के खाते हो, तो शरीर का भोजन यह है और जीवात्मा का भोजन शब्द है। शब्द से सारा संसार बना, अंडपिंड ब्राह्मण देवी देवता बने, कितना नाम दान जब मिल जाता है, शब्द का ज्ञान हो जाता है और इस जीवात्मा को शब्द के साथ जब जोड़ दिया जाता है और ये ऊपरी लोकों में जब जाती है तो वहाँ का नजारा दृश्य देख करके खुश हो जाती है। और जो आने समय लोग की आने बताने वाले के पास, जिनको गुरु सदगुरु कहा गया, पहुँचा देते हैं, उनको भी जीवात्मा आशीर्वाद देती है। तो सबसे बड़ा परमार्थ आने समय लोग की यही होता है। तो मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो परमार्थी काम कर सकता है, जानवर कुछ नहीं कर सकते। जानवर तो आप ही चले, कोई जानवर खा रहा है और दूसरा जानवर आया और खाने लगा तो उसको वो मार करके भगाता है, लेकिन इंसान आदमी एक ऐसा है कि एक रोटी अगर है तो आधी खाया और आधी दूसरे को खिला दिया। तो परमार्थ तो आप ही कर सकते हो। तो इस समय पर सबसे जरूरी चीज़ तो यह है कि लोगों की जान बचाओ, कुदरती कहर से बचाओ, दैविक प्रकोप जो अभी आने वाली है उससे बचाओ, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाओ। देखो बीमारियां ऐसी ऐसी आने वाली हैं कि जो ज्यादातर मांसाहारियों को ही होगी, इसलिए अब मांस छुड़ाओ, शराब छुड़ाओ। अभी तो आप जो लोग बैठे हो है इसमें भी कुछ लोग सेवन करते हो, लेकिन ये चीज आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। किसी को अगर फोड़ा हो जाए और उसके ऊपर आप मलहम लगाते रहो तो नासूर बन जाता है, हड्डी तक अनिर्मवार जाता है, हर एक दिन हड्डी ही काटनी पड़ जाती है। लेकिन फोड़ा हो गया और फोड़ा काटते समय दर्द भी हो तो फिर नासूर बनने वाला नहीं है। अगर उसको फोड़े को कटवा दोगे, दवा भरवा दोगे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो तकलीफ आपको भले हो, क्योंकि जवान के स्वाद में आप यानी उसको खाते पीते हो, लेकिन भाई ये आगे के लिए भविष्य के लिए तकलीफ दे होगा। इसलिए शाकाहारी बनने का संकल्प बनाओ, नशा मुक्त बनने का संकल्प बनाओ,
बच्चों को भी परिवार वालों को शाकाहारी बनाओ, सबसे पहला काम यही करो। सबसे अधिक प्रथम सीढ़ी परमात्मा को समझने जानने की, आध्यात्म को जानने समझने की यही है। और अगर शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरु नाम बोलेगा तो मदद आनी होगी। बोलो जय गुरुदेव।